पूजा के इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो इसका प्रारंभ महाभारत काल में कुंती द्वारा सूर्य की आराधना व पुत्र कर्ण के जन्म के समय से माना जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए मां गंगा यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर ओपन ब्रैकेट तालाब क्लोज ब्रैकेट के किनारे यह पूजा की जाती है। प्राचीन काल में इसे बिहार और उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता था, लेकिन पर्व की विशेषता है कि इसे घर का कोई भी सदस्य रख सकता है तथा इसे किसी मंदिर या धार्मिक स्थान में न मनाकर अपने घर में देवकरी ओपन ब्रैकेट पूजा स्थल क्लोज ब्रैकेट व प्राकृतिक जल राशि के समक्ष मनाया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस पर्व के लिए महिलाएं कई दिनों से तैयारी करती हैं। इस अवसर पर घर के सभी सदस्य स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं। जहां पूजा स्थल होता है वहां नहा धोकर ही जाते हैं। यही नहीं, 3 दिन तक घर के सभी सदस्य देवकरी के सामने जमीन पर ही सोते हैं। पर्व के पहले दिन पूजा में चढ़ावे के लिए सामान तैयार किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के मौसमी फल केले की पूरी गौर ओपन ब्रैकेट गवद क्लोज ब्रैकेट। इस पर्व पर खास तौर पर बनाया जाने वाला पकवान ठेकुआ ओपन ब्रैकेट बिहार में इसे खजूर कहते हैं। यह बाजरे के आटे और गुड़ व तिल से बने हुए पुए जैसा होता है। क्लोज ब्रैकेट नारियल मूली सुतनी अखरोट बादाम नारियल इस पर चढ़ाने के लिए लाल फॉरवर्ड / पीले रंग का कपड़ा एक बड़ा घड़ा जिस पर 12 दीपक लगे हो गन्ने के 12 पेड़ डाल दी। पहले दिन महिलाएं अपने बाल धोकर चावल लौकी और चने की दाल का भोजन करती हैं और देवकरी में पूजा का सारा सामान रखकर दूसरे दिन आने वाले व्रत की तैयारी करती हैं। छठ पर्व पर दूसरे दिन पूरे दिन व्रत ओपन ब्रैकेट उपवास क्लोज ब्रैकेट रखा जाता है और शाम को गन्ने के रस की बखीर बनाकर देवकरी में 5 जगह कोशा ओपन ब्रैकेट मिट्टी के बर्तन क्लोज ब्रैकेट में बखीर रखकर उसी से हवन किया जाता है। बाद में प्रसाद के रूप में बखीर का ही भोजन किया जाता है व सगे संबंधियों में इसे बांटा जाता है। तीसरे यानी छठ के दिन 24 घंटे का निर्जल व्रत रखा जाता है। सारे दिन पूजा की तैयारी की जाती है और पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई बड़ी टोकरी जिसे दौरी कहते हैं में पूजा का सभी सामान डालकर देवकरी में रख दिया जाता है। देवकरी में गन्ने के पेड़ से एक छत्र बनाकर और उसके नीचे मिट्टी का एक बड़ा बर्तन दीपक तथा मिट्टी के हाथी बनाकर रखे जाते हैं और उसमें पूजा का सामान भर दिया जाता है। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल 5 प्रकार के फल पूजा का अन्य सामान लेकर दौरी में रखकर घर का पुरुष इसे अपने हाथों से उठाकर नदी समुद्र या पोखर पर ले जाता है। यह अपवित्र ना हो जाए इसलिए इसे सिर के ऊपर की तरफ रखते हैं। पुरुष महिलाएं बच्चों की टोली एक सैलाब की तरह दिन ढलने से पहले नदी के किनारे सोहर गाते हुए जाते हैं। काची ही बांस कै बहिनगी लचकत जाए भरे वा जय हो ओ कवनरम भार घाटे पहुँचाए बाटा जय पूछे ले बटोहिया इभार के घर जाए आंख तो रे फूटे रे बटोहिया जंगरा लागे तो रे घूम छठ मैया बड़ी पुण्यात्मा इभार छठी घाटे जाए। नदी किनारे जाकर नदी से मिट्टी निकाल कर छठ माता का चौरा बनाते हैं। वहीं पर पूजा का सारा सामान रख कर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं।
उसके बाद टखने भर पानी में जाकर खड़े होते हैं और सूर्य देव की पूजा के लिए सूप में सारा सामान लेकर पानी से अर्घ्य देते हैं और 5 बार परिक्रमा करते हैं। सूर्यास्त होने के बाद सारा सामान लेकर सोहर गाते हुए घर आ जाते हैं और देवकरी में रख देते हैं। रात को पूजा करते हैं। कृष्ण पक्ष की रात जब कुछ भी दिखाई नहीं देता, श्रद्धालु अलस सुबह सूर्योदय से 2 घंटे पहले सारा नया पूजा का सामान लेकर नदी किनारे जाते हैं। पूजा का सामान फिर उसी प्रकार नदी से मिट्टी निकाल कर चौक बनाकर उस पर रखा जाता है और पूजन शुरू होता है। सूर्य देव की प्रतीक्षा में महिलाएं हाथ में सामान से भरा सूप लेकर सूर्य देव की आराधना व पूजा नदी में खड़े होकर करती हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई देती है, सब लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई देती है और महिलाएं अर्घ्य देना शुरू कर देती हैं। शाम को पानी से अर्घ्य देते हैं, लेकिन सुबह दूध से अर्घ्य दिया जाता है। इस समय सभी नदी में नहाते हैं तथा गीत गाते हुए पूजा का सामान लेकर घर आ जाते हैं। घर पहुँच कर देवकरी में पूजा का सामान रख दिया जाता है और महिलाएं प्रसाद लेकर अपना व्रत खोलती हैं तथा प्रसाद परिवार व सभी परिजनों में बांटा जाता है। छठ पूजा में कोशी भरने की मान्यता है। अगर कोई अपने किसी अभीष्ट के लिए छठ माँ से मनौती करता है तो वह पूरी करने के लिए कोशी भरी जाती है। इसके लिए छठ पूजन के साथ साथ गन्ने के 12 पेड़ से एक समूह बनाकर उसके नीचे एक मिट्टी का बड़ा घड़ा जिस पर छठ दिए होते हैं देवकरी में रखे जाते हैं और बाद में इसी प्रक्रिया से नदी किनारे पूजा की जाती है। नदी किनारे गन्ने का एक समूह बनाकर छत्र बनाया जाता है, उसके नीचे पूजा का सारा सामान रखा जाता है। कोशी की इस अवसर पर काफी मान्यता है। उसके बारे में एक गीत गाया जाता है जिसमें बताया गया है कि छठ माँ को कोशी कितनी प्यारी है। रात छठिया मैया गवने ऐली, आज छठिया मैया कहवा बिलंबली बिलंबली बिलंबली, कवन राम के अंगना जोड़ा कोशियवा, भरत रहे जहवा जोड़ा नारियल धैल रहे जहमवा, उखिया के खम्बवा गड़ल रहे तहवा। छठ पूजा का आयोजन आज बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त देश के हर कोने में किया जाता है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में भी समुद्र किनारे जन सैलाब दिखाई देता है। पिछले कई वर्षों से प्रशासन को इसके आयोजन के लिए विशेष प्रबंध करने पड़ते हैं। इस पर्व की महत्ता इतनी है कि अगर घर का कोई सदस्य बाहर है तो इस दिन घर पहुंचने का पूरा प्रयास करता है। मात्र दिल्ली से इस वर्ष 6 लाख लोग छठ के अवसर पर बिहार की तरफ गए। देश के साथ साथ अब विदेशों में रहने वाले लोग अपने अपने स्थान पर इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। पटना में पिछली बार कई लोगों ने नए प्रयोग किए, जिसमें अपने छत पर छोटे स्विमिंग पूल में खड़े होकर यह पूजा की। उनका कहना था कि गंगा घाट पर इतनी भीड़ होती है कि आने जाने में कठिनाई होती है और शुचिता का पूरा ध्यान नहीं रखा जा सकता। लोगों का मानना है कि अपने घर में सफाई का ध्यान रखकर इस पर्व को बेहतर तरीके से मनाया जा सकता है। इस चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।